सबसे पहले किसी भी वेब ब्राउजर में जाना और वेब ब्राउजर में जाके लिखना है जीन कार्ड। तो जब आप जीन कार्ड लिख देंगे वेब ब्राउजर में तो पहला ऑप्शन आएगा जीन कार्ड डॉट ओ आर जी, इस पर क्लिक कर देंगे। फिर इधर सर्च बार आएगा, सर्च बार में आप डिजीज़ का नाम लिख देंगे जिसके भी आप जीन सर्च करना चाहते हैं। मैं इधर सर्च करना चाहता हूँ सर्वाइकल कैंसर के जीन, तो मैं टाइप कर दूँगा सर्वाइकल कैंसर। इसके जीन आ गए यहाँ 7500 जीन आ गए। अब इन जीन्स पे सबसे पहले हम टोटल जीन्स कॉपी करेंगे, तो शो पे जाके सी ऑल कर दो, आपको इधर सारे के सारे जीन शो हो जाएंगे। अब सिंपली आपको जो है कंट्रोल ए या कमांड ए का ऑप्शन दबाना है और आपका पूरा पेज सेलेक्ट हो जाएगा। अब इन सारे जीन्स को आप पेस्ट कर देंगे एक्सेल फाइल में जाके। एक्सेल फाइल खोल लिया और सारे के सारे जीन्स इधर पेस्ट कर देने हैं जो भी आपने जीन कार्ड से लिए हैं, तो ओके कर देंगे। तो इधर सारे जीन्स आ गए। तो आपको क्या करना है, जितना भी पोर्शन है सब डिलीट कर देना है, बस जीन्स छोड़ के, जो सिंबल्स हैं उनको छोड़ के सब कुछ डिलीट कर देना है इधर जो भी लिखा हुआ है, अगर आपको फर्दर एनालिसिस करनी है। तो मैं इधर जाके डिलीट कर दूँगा। अब जीन कार्ड ये भी डिलीट कर देंगे और ये डिस्क्रिप्शन कैटेगरी GIF सब डिलीट कर देना, आपको ऊपर का ये सब कुछ डिलीट कर देना, सिंबल वगैरह कुछ नहीं लिखा छोड़ना आपको, बस ये सिंबल छोड़ देना BRCA1 BRCA2, इसको भी डिलीट कर देंगे, इसको पूरे को डिलीट कर देना है एक्सेल में। ये 1 2 3 भी डिलीट कर देंगे। क्योंकि हमें इस फाइल को सूटेबल बनाना है कि हम इसको आगे यूज़ कर सकें साइटोस्केप में। साइटोस्केप एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कॉमन जीन ढूंढेंगे। तो इसको सेव कर देना फाइल को अब सर्वाइकल कैंसर जीन के नाम से, जीन कार्ड के नाम से। तो इधर सारे जीन्स हमने सेव कर दिए अपने सर्वाइकल कैंसर के। अब ये सर्वाइकल कैंसर के जीन जो हैं ये हम सब सेव कर चुके। अब जाएंगे हर्ब डाटाबेस में। हर्ब डाटाबेस है एक चाइनीज़ डाटाबेस जिसमें हमें सारे फाइटोकेमिकल्स मिल जाते हैं और हर फाइटोकेमिकल से रिलेटेड जीन्स मिल जाते हैं, वो जीन्स जो कि उस फाइटोकेमिकल के थ्रू अप रेगुलेट या डाउन रेगुलेट हुए हों। तो इधर हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिजीज़ में जाके सर्वाइकल कैंसर लिखेंगे। तो सर्वाइकल कैंसर पे जाके क्लिक कर देंगे डिजीज़ आईडी पे। डिजीज़ आईडी पे क्लिक करने के बाद इधर पूरा आ जाएगा डिजीज़ के बारे में कि डिजीज़ कौन सी है, सर्वाइकल कैंसर है और इसकी आईडी वगैरह सारी आ जाएंगे आपके पास। अब इससे रिलेटेड हर्ब्स भी आ जाएंगे और इंग्रेडिएंट्स भी आ जाएंगे, इंग्रेडिएंट्स मतलब फाइटोकेमिकल्स। तो अब रिफरेंस माइनिंग और स्टैटिकल इन्फ्रेंस दो ऑप्शन है, दोनों में जाके दोनों को डाउनलोड कर देना है। सबसे ज़्यादा फाइटोकेमिकल स्टैटिकल इन्फ्रेंस में मिल जाते हैं, तो इस पे जाके डाउनलोड कर देंगे। तो हमारे 749 फाइटोकेमिकल्स दिखाएं, इसमें सारों को डाउनलोड कर लेंगे एक्सेल फाइल में। क्योंकि हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे जीन्स आए हैं और वो जीन्स आने के बाद हमें पता लग गया कि सर्वाइकल कैंसर में जो है इतने जीन्स जो हैं XY जीन्स जो हैं ये सब इन्वॉल्व हैं। अब इन जीन्स को हम टारगेट करेंगे फाइटोकेमिकल्स के थ्रू कि फाइटोकेमिकल्स इन जीन्स को इनहिबिट करें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले फाइटोकेमिकल्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो फाइटोकेमिकल का सिलेक्शन करते टाइम वही फाइटोकेमिकल लेंगे जो इस डिजीज़ से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं किसी लिटरेचर में आ चुके। तो इधर भी एक्सेल फाइल में जाके सब कुछ डिलीट कर देंगे, बस फाइटोकेमिकल छोड़ दो। अब इधर पी क्रिसोल दिखाया हुआ और इसके अलावा और 750 जो है फाइटोकेमिकल्स दिखाए हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे एक्सेल फाइल में। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। अब पबकेम में जाना, पहला जो हमारा फाइटोकेमिकल है उसका नाम लिखना। तो 750 फाइटोकेमिकल का नाम पबकेम में लिखना पड़ेगा एक एक करके।
जो आइसोमेरिक स्माइल है ये इसकी एक आईडी है, हर फाइटोकेमिकल की हर स्ट्रक्चर की अपनी आईडी होती है प्रोटीन की। तो इस आईडी पे क्लिक करेंगे और स्विस एडमी में जाएंगे। स्विस एडमी क्या है, इसमें हम हर फाइटोकेमिकल्स का या हर ड्रग का जो है देखते हैं कि वो कितना ऑप्टिमल है हमारे शरीर के लिए, कि एज अ ड्रग किसी फाइटोकेमिकल को यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इधर जाना है, आइसोमेरिक स्माइल को अपने पेस्ट कर देना है, उसके बाद एंटर का बटन दबाना है अगर रन का ऑप्शन रेड नहीं आता। एंटर दबाने के बाद रन पे क्लिक करना है। अब हमारी फाइल लोड हो जाएगी। अब इस फाइल में आपको दिखाई देगा सबसे पहले रडार, ये रडार है, इसमें रेड लाइन जो है वो फाइटोकेमिकल है और पिंक एरिया पूरा का पूरा रडार है। ये हमारी 6 प्रॉपर्टी दिखाता है। अगर इस पिंक रडार से रेड लाइन बाहर है, इसका मतलब हमारी कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो नहीं कर रहा हमारा फाइटोकेमिकल। तो इधर इन सैचुरेशन थोड़ा ज़्यादा है हमारे फाइटोकेमिकल में, पर इन सैचुरेशन की प्रॉपर्टी जो है वो थोड़ी थोड़ी चल जाती है। तो इन सैचुरेशन पे अगर थोड़ा सा बाहर हो तो हम कंसीडर कर सकते हैं उस फाइटोकेमिकल का, उस ड्रग को। पर आपको देखना होगा, अगर आपको फुल ऑप्टिमल ड्रग चाहिए तो ये सारा का सारा जो रेड लाइन है ये अंदर होनी चाहिए पिंक रडार के। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपको दिख जाएंगी इस पर क्लिक करते ही। अब एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, प्रिकोस्क्रिसोल के बाद हमने एक जेनिस्टिनोर ले लिया, ये भी एक फाइटोकेमिकल दिखा है, सेम इसी का इसका भी स्माइल जो है वो कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे स्विस एडमी में और रन कर देंगे। अब मैं दिखा देता हूँ आपको कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखनी होती है अगर फाइटोकेमिकल सेलेक्ट करना है। 750 में से हमें फाइटोकेमिकल सेलेक्ट करना है तो कौन कौन से करेंगे। तो ये रडार में रेड लाइन जो है अंदर होनी चाहिए, इसका मतलब सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी जो है फॉलो कर रहा है, हमारी बॉडी में आराम से जाएगा ये फाइटोकेमिकल, कोई दिक्कत नहीं करेगा आराम से जो है। इसकी लाइपोफिलिसिटी अच्छी है, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर डोनर हैवी एटम्स वेट सब कुछ ऑप्टिमल है जो हमें चाहिए। तो ये इसके अंदर होना चाहिए जो हमारी रेड लाइन है, पहली चीज़ ये याद रखनी है। दूसरी चीज़ लाइपोफिलिसिटी जो है, ये लोग POW जो है, ये जो ऊपर 5 जो लाइपोफिलिसिटी के लोग दिखाए हैं ये कंसेंसस जो है इसका टोटल है, ये 5 से कम होना चाहिए। ये मैं आगे एक टेबल दिखाऊंगा उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगी क्या कितना लेना है। ये वाटर सोल्यूबिलिटी क्लास है, ये सोल्यूबल होना चाहिए, हाईली सोल्यूबल होना चाहिए। GI एब्जॉर्प्शन जो है वो हाई होना चाहिए हमेशा। ब्लड ब्रेन बैरियर यस होना चाहिए। PGP सबस्ट्रेट जो है नो होना चाहिए और इनिबिटर सारे के सारे नो होने चाहिए आपके। और लोग KP जो है स्किन परमिएशन होता है, ये नेगेटिव का मतलब है कि जितना नेगेटिव होगा उतना ज़्यादा स्किन में चला जाएगा आपकी। तो इधर जो है GI एब्जॉर्प्शन या किसी में भी आप थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते हैं अगर सारी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है तो। एक आधी प्रॉपर्टी अगर नहीं भी फॉलो होती तो आप ले सकते हैं। इधर जितने भी ड्रग लाइकनेस के रूल थे सारे फॉलो होने चाहिए, यस होना चाहिए और जीरो वायलेशन होना चाहिए। बायो अवेलेबिलिटी स्कोर 0.50 से ज़्यादा होना चाहिए और पेंस ब्रैंक्स जो है वो जीरो होने चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर लड़ दिखाते हैं, अगर स्ट्रक्चर खराब होगा तो पेंस ब्रैंक्स जो है ये वायलेशन दिखा देंगे, तो ये भी जीरो होने चाहिए। लीड लाइकनेस सिंथेटिक एसेसिबिलिटी का ज़्यादा नहीं देखना, क्योंकि सिंथेटिक एसेसिबिलिटी होती है कि लैब में बन सकता है नहीं बन सकता, तो ये सबका इतना ध्यान नहीं रखेंगे। पर पेंस ब्रैंक्स सारे के सारे लो जो है वो सारे फॉलो होने चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी दिखा देता हूँ, ये रे जितना भी मोलिकुलर वेट है ये 500 से कम होना चाहिए, हाइड्रोजन बोन डोनर 5 से कम होने चाहिए, एक्सेप्टर 10 से कम होने चाहिए, सरफेस एरिया 140 से कम होना चाहिए, बायोअवेलेबिलिटी स्कोर जो है 0.50 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है लेते टाइम, अगर ये सब फॉलो करता है तभी फाइटोकेमिकल लेना है। वाटर सोल्यूबिलिटी लोग एस जो है -10 से कम होना चाहिए, लोग पी की वैल्यू जो है वो 5 से कम होनी चाहिए। और बॉइल्ड एग क्या होता है ये बता देता हूँ मैं। बॉइल्ड एग हमें दिखाएगा कि जो हमारा फाइटोकेमिकल है वो अगर वाइट रीजन में, इसका मतलब ये है कि वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के थ्रू पास होके हमारे ब्लड में चला जाएगा। अगर ये रेड डॉट जो है फाइटोकेमिकल हमारा, अगर ये वाइट एरिया में होता है तो मतलब पास कर जाएगा GI से, और येलो में होता है तो GI से ही पास कर जाएगा और ब्लड ब्रेन बैरियर से ही पास कर जाएगा। और ये हमेशा रेड होना चाहिए, रेड का मतलब ये है इसको GI ट्रैक जो है ये बाहर भी फेंकेगा ब्लड से। ये अगर ब्लू होगा इसका मतलब ये है कि ये जो है ABC ट्रांसपोर्टर से बाइंड हो जाएगा GI के, और GI जो है उसको बाहर फेंक देगा ब्लड से, तो ये ब्लड में एब्जॉर्ब भी नहीं होने देगा हमारे फाइटोकेमिकल। तो ये हमेशा रेड होना चाहिए और वाइट या येलो रीजन में होना चाहिए। तो अगर ये सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता है आपका फाइटोकेमिकल, इसका मतलब ये है कि वो फाइटोकेमिकल या वो ड्रग एक ऑप्टिमल ड्रग आपकी बॉडी के लिए। तो उन 750 में से अगर हमारे पास एक दो कोई भी फाइटोकेमिकल ऐसे मिल जाते हैं जो फॉलो करते हैं तो उसको ले लेंगे फर्दर स्टडी के लिए। तो इस स्क्रीनिंग में काफ़ी टाइम लगता है। अब ये सर्वाइकल कैंसर के जीन आ गए, तो इधर हमें क्या करना है, एक
खाली टैब इंसर्ट करके उसमें सर्वाइकल कैंसर लिख दो और डबल क्लिक कर दो, तो सारे में सर्वाइकल कैंसर आ जाएगा इसके सामने। तो जो भी डिजीज ले रहे हो उसके जीन्स के सामने, सबके सामने वो नाम लिख दो उस डिजीज का, सर्वाइकल कैंसर कॉपी पेस्ट करके। ये आ गया जेनिस्टिन, अब इसके सामने जेनिस्टिन लिख दो सबके सामने एक रो में। तो ये सारे के सारे जीन्स हैं, इन सबके सामने लिख दो जेनिस्टिन, क्योंकि ताकि हम जो ये फाइटोकेमिकल जो हमारी फाइल है उनको ऑप्टिमल बना सके साइटोस्केप में यूज़ करने के लिए। तो अब जेनिस्टिन की भी फाइल बिल्डअप हो गई, अब हमारे पास हमारी दोनों फाइल बिल्ड कर ली हमने अच्छे से। अब क्या करना है, इस जेनिस्टिन की फाइल को कॉपी मार लो पूरी को, जितनी भी पूरे सारे के सारे जीन्स जो हैं इन दो कॉलम को पूरा कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद इन्हें कर लो पेस्ट। कहाँ पेस्ट करना है, जेनिस्टिन की फाइल में। अब जेनिस्टिन की फाइल बहुत सारी बना लो अगर बहुत सारे फाइटोकेमिकल है, और सब में जो है ये पेस्ट कर दो। अब इस फाइटोकेमिकल को पेस्ट कर दो सर्वाइकल कैंसर में, ये रहा इधर पूरे को सिलेक्ट करके जितने जीन्स हैं, और कमांड वी या कंट्रोल वी जो है दबा देना आपको, ये रहा पेस्ट। तो आपके सारे के सारे जीन्स आ गए जेनिस्टिन और सर्वाइकल कैंसर के एक जगह आ गए, और सबके सामने जेनिस्टिन लिखा हुआ, जेनिस्टिन वालों के सामने और सर्वाइकल कैंसर वालों के सामने लिखा सर्वाइकल कैंसर। अब जीन कार्ड का यूज़ हम कर चुके हैं, अब हमें क्या करना है, सारे जीन्स हमारे पास है, फाइटोकेमिकल्स हम निकाल लेंगे जो जो हमें यूज़ करते हैं। जैसे हमने जेनिस्टिन फाइटोकेमिकल लिया, वो सब कुछ प्रॉपर्टी सारी है उसमें, तो हम उस फाइटोकेमिकल को ले लेंगे। अब साइटोस्केप में जो है जाके सर्वाइकल कैंसर पे ग्रीन डॉट पे क्लिक करना है, सोर्स हो गया इसका मतलब, और इसका मतलब है टारगेट, और ओके कर देना है। तो ये पूरा का पूरा नेटवर्क लोड कर देगा उस फाइल का जो हमने अभी बनाई है। तो अभी आ गई पूरी की पूरी फाइल हम लोगों के पास। तो हमने क्या किया, हमारा स्विस एडमी से एक फाइटोकेमिकल निकाल लिया अपना जेनिस्टिन, और जेनिस्टिन के जो है उसके भी जीन्स ढूंढ लिए किस पे, जीन कार्ड पे, और उसके सारे जीन्स जो हैं वो सारे सर्वाइकल कैंसर के जीन के साथ मिला के और जीन कार्ड में खोल लिए। अब क्या करना है, नेटवर्क आने के बाद किसी भी एक पे क्लिक करो, ये एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि कैसे हम जो है शॉर्टकट में काम कर सकते हैं, सेलेक्ट फर्स्ट नेबर। अब इसको वापस कर दो, ये मिल गया आपको, ये अपना जेनिस्टिन। अब सेम TMA ढूंढ लेंगे, ये एक बड़ा शॉर्टकट मेथड है एक मिनट में अपना सोर्स ढूंढने का कि जेनिस्टिन और TMA कहाँ पे हैं, नहीं तो एक एक करके ढूंढोगे तो पूरा दिन लग जाएगा। सेलेक्ट फर्स्ट नेबर, और फिर ये रहा, ये अपना एक सोर्स और मिल गया। अब अपने पास TMA भी है, जेनिस्टिन भी। अब इनके कॉमन जीन्स कैसे निकाल लेंगे, मेन TMA पे क्लिक करके, ये TMA हमारा, इस पे क्लिक करके और सेलेक्ट फर्स्ट नेबर कर दो। ये मैं दिखा देता हूँ कि ये क्या है, ये हमारा सोर्स TMA और एक का सोर्स जेनिस्टिन, जिसके सारे के सारे जीन्स जीन से रिलेटेड है। तो अब आपको समझ आ गया मैंने हर जीन्स के सामने जेनिस्टिन क्यों लिखा, क्योंकि ताकि मैं सारे जेनिस्टिन के जीन्स जो है वो आपको एक अलग से आइसोलेट करके दिखा सकूं। तो जेनिस्टिन के सारे हमारे पास जीन आ गए, सर्वाइकल कैंसर के सारे हमारे पास जीन्स आ गए। अब हम जो है कॉमन जीन ढूंढेंगे दोनों के बीच में, तो सेलेक्ट फर्स्ट नेबर, तो जेनिस्टिन के सारे जीन्स आ गए, अब इसको अलग कर लो फर्स्ट नेबर करके, ये आ गया सारे के सारे जीन्स। ये आ गया सारा जीन्स, सिमिलरली सर्वाइकल कैंसर क्लिक करना है, सेलेक्ट फर्स्ट नेबर, अब इसके सारे जीन्स को अलग कर देंगे। ये आ गया, अब हमारे पास दोनों के ही कॉमन जीन्स है। अब क्या करना है, इन सारे के सारे जीन्स को, अब काफ़ी सारे जीन्स है, अब क्वेश्चन ही आता है कि यार हमें पता कैसे चलेगा कि ये कॉमन जीन्स कितने और कैसे हैं। तो अब क्या करेंगे, फाइल डाउनलोड कर लेंगे, इधर हमें फाइल मिल जाएगी, दिखा देता हूँ कैसे, इसको पिन कर देना है वापस साइटोस्केप में। अब जाएंगे साइटोस्केप में, पिन कर दिया, अब ये आ गया सर्वाइकल कैंसर। तो उससे पहले जाके क्या करेंगे, एनालिसिस नेटवर्क, एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारे पास डिग्री आ जाए। अब डिग्री क्या होती है ये बताऊँगा मैं आपको, एनालिसिस कर देते हैं, ओके क्लिक, ठीक है एनालिसिस नेटवर्क। अब क्या कर देना है, एनालिसिस नेटवर्क में जा गया, अब हमारे पास डिग्री वगैरह सब आ गया जो हमें चाहिए, क्लोजनेस सेंट्रलिटी, हमें इधर डिग्री का याद ध्यान रखना है। डिग्री का मतलब है अगर एक डिग्री है इसका मतलब वो खाली एक चीज़ से रिलेटेड है, TMA से, जेनिस्टिन से रिलेटेड है, या खाली सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड है। और अगर दो डिग्री है इसका मतलब वो है कॉमन जीन है दो का मतलब कि वो जेनिस्टिन में भी है और वो सर्वाइकल कैंसर में भी है। तो दो वाले हमें सेलेक्ट करने हैं जो कॉमन है। तो इधर ब्राउज करके अपना डाउनलोड कर दो ये वाली फाइल, एक्सपोर्ट टू टेबल में जाके
सेव टेबल एज, अब ये मेरी सेव हो चुकी, इसका नाम लिख देंगे रिजल्ट और सेव, सेव डॉट सी एस वी फॉर्मेट में सेव हो गई। अब इस फाइल को ओपन कर लेते हैं डॉट सी एस वी फॉर्मेट की। अब ये वाली फाइल जो है ये ओपन हो गई। अब इतनी सारी चीज़ें इसमें, तो हमें क्या लेना है, हमें डिग्री लेनी है, खाली डिग्री और हमारे जीन्स। तो इधर चार कॉलम ये सेलेक्ट कर देने हैं, कॉपी करना है और एक्सेल फाइल में जाके इसको सेव कर देना है। एक्सेल में गए और सेव कर दो, सेम पेस्ट। ये आ गई। अब हमें क्या करना है, नेम और डिग्री को छोड़ के सब कुछ डिलीट कर दो, ये बाकी के दो कॉलम जो है इसेंट्रिसिटी और सिंगल नोड, और ये जो एक एक वाले हैं सारे डिलीट कर दो, जो डिग्री के सामने जो पूरा का पूरा रो है वो पूरा डिलीट कर दो, खाली दो दो वाले छोड़ दें। जिस नेम के सामने जैसे BRCA1 का 2 है इसको रहने देना है, और जो 1 वाले हैं वो सारे डिलीट कर दो, 1 वाले जीन, जैसे NBN जो है 1 है, POL1 है, इन सबको डिलीट कर दो, PMS2-1 है, इन सबको डिलीट करो, इन जीन को 2 वाले छोड़ दो। तो हमें क्या करना है, जीन कॉमन बिटवीन सर्वाइकल कैंसर एंड जेनिस्टिन, दोनों के बीच में जो कॉमन जीन्स है जिनकी डिग्री 2 है उनको छोड़ देना है बस, बाकी सबको क्या कर देना है, डिलीट। तो हमें कौन से जीन्स मिल जाएंगे, कॉमन जीन्स मिल जाएंगे सारे के सारे। तो ये टास्क जो है ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें क्या है, सारे के सारे 2 वाले जीन्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे, तो मैनुअली डिलीट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इधर मैं मेन बताना चाहता हूँ कि कोई भी डिजीज़ हो उसके जीन्स हम सेलेक्ट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फाइटोकेमिकल्स के जीन सेलेक्ट करेंगे, और उन फाइटोकेमिकल्स, फिर हम फाइटोकेमिकल्स को फिल्टर करेंगे ऑन बेसिस ऑफ एडमी पैरामीटर्स, और जो फाइटोकेमिकल्स हमारे पास आ जाएंगे जो सारे के सारी ऑप्टिव एडमी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे, उस फाइटोकेमिकल्स के जीन्स निकाल के पेस्ट कर देंगे सर्वाइकल कैंसर के जीन्स में, और साइटोस्केप पे एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हमें कॉमन जीन्स मिल जाएंगे अपने फाइटोकेमिकल के बीच के और डिजीज के बीच के, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर के बीच के। अब हम कैक पाथवे से संभालेंगे सर्वाइकल कैंसर का। तो कैक पाथवे क्या होता है, कैक पाथवे जो है किसी भी डिजीज का वो पाथवे होता है जो दिखाता है कि कौन कौन से जीन जो है वो अपरेगुलेट हो गए या इनिबिट हो गए उस पाथवे में, जिसके कारण वो डिजीज हुई है। तो इधर देख सकते हैं सर्वाइकल कैंसर के केस में EGFR पाथवे और फास पाथवे, ये सारे जो हैं अपरेगुलेटेड हुए हैं, या ये पाथवे जो हैं इनिबिट कर रहे हैं किसी दूसरे जीन्स को जिनके कारण डिजीज़ कोज हो रही है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो हमने कॉमन जीन ढूंढे हैं उनमें से कौन कौन से जीन कैक पाथवे में प्रेजेंट है। तो हम सपोज़ कीजिए कि EGFR जो कॉमन जीन है जिसकी डिग्री 2 थी जो दोनों में इन्वॉल्व था, तो हम देख लेंगे कि EGFR जो है इसकी बाइंडिंग जेनिस्टिन के साथ होती है नहीं होती है, तो उन पाथवे को रोक देंगे इन रिसेप्टर के थ्रू। हम देखते हैं कि अगर इन रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है, बाइंडिंग होती है जेनिस्टिन की, तो जेनिस्टिन क्या करेगा, इस इन पाथवे को कम्प्लीटली ब्लॉक कर सकता है। तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, बाइंडिंग, बाइंडिंग के लिए सबसे पहले पायरेक्स डाउनलोड करना है। तो पायरेक्स मैंने बता दिया कैसे डाउनलोड करना है पूरा, ये भी पायरेक्स की साइट सीधा डाउनलोड कर लो, फ्री वाला जो वर्जन होगा वो डाउनलोड कर लेंगे। पायरेक्स जो है क्रैश बहुत ज़्यादा होता है, तो घबराना नहीं है, मैं बताऊंगा कि कैसे यूज़ कर सकते हैं क्रैश होने के बाद भी। सबसे पहले PDB फाइल में जाना है, डॉकिंग शुरू करने से पहले PDB फाइल में जाके क्या करेंगे, तो हम अपना पहला रिसेप्टर ले लेते हैं EGFR। हम देखते हैं कि इस रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग है कि नहीं, अगर इस रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग होती है तो अच्छी बात है, हम बोल सकते हैं कि हो सकता है इसको इनिबिट करता हो। तो हम क्या कर सकते हैं, इन विट्रो लैब में जो है EGFR के साथ या मतलब सेल्स के साथ डायरेक्ट देख सकते हैं कि जब हमने फाइटोकेमिकल डाला तो क्या जो है सेल्स ने रिस्पॉन्स दिया, इन्फ्लामेटरी मोलिक्यूल्स जो है वो रिलीज हुए नहीं हुए, या EGFR जो रिलीज करा रहा है जो भी मोलिक्यूल्स डाउन स्ट्रीम में, और जेनिस्टिन के बिना जो है क्या इफेक्ट होता है सेल्स के ऊपर। तो हो सकता है जेनिस्टिन एक अच्छा फाइटोकेमिकल हो जो सेल्स को जो है कम्प्लीटली इनिबिट कर दे उसका पाथवे, इन रिसेप्टर से, इन रिसेप्टर को एक्टिवेट ही ना होने दे, इनको इनिबिट कर दे या बाइंड होके। तो हम इस एक्टिवेटर के, इस रिसेप्टर के साथ हम देखेंगे बाइंडिंग हो रही है नहीं हो रही,
हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, हमने फाइल सेव कर लिया है। फाइल को हमेशा याद रखना है कि पीडीबी, हमेशा फाइल को सेव करना है पीडीबी फॉर्मेट में। तो ये रहा ईजीएफआर, पीडीबी फॉर्मेट में मैंने सेव कर ली पबकैम से। अब क्या करना है, अब मैं अपना लाइक एंड निकाल लूंगा। लाइक एंड हमेशा लेना है पबकैम से, और जो हमारा प्रोटीन है वो लेना है किससे, एनसीबीआई से जाके, पबमेट से जाके। अब लिख दो जेनिस्टीन। इधर से मैं लाइगेंड का जो है स्ट्रक्चर कॉपी मारूंगा, 3D स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर किस फॉर्मेट में रखना है, एसडीएफ फॉर्मेट में। तो याद रखना है प्रोटीन चाहिए पीडीबी फॉर्मेट में और लाइगेंड चाहिए एसडीएफ फॉर्मेट में, क्योंकि एसडीएफ में मिलते हैं लाइगेंड ज़्यादातर। इस एसडीएफ को हम बाद में पीडीबी में कन्वर्ट करेंगे, तो टेंशन नहीं लेनी, सीधा एसडीएफ में इसको डाउनलोड कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, रीनेम करना है अपनी फाइल को उस हिसाब से कि आपको याद रहे कि कहाँ कौन सी फाइल रखी हुई है। तो इसको एसडीएफ फॉर्मेट में जेनिस्टिन लिख देना है, इधर जेनिस्टिन एसडीएफ फॉर्मेट। अब ये फाइल हमारे पास आ गई, इसको बंद कर देना है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा प्रोटीन होगा, प्रोटीन के साथ काम करने से पहले उस प्रोटीन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं कि हम जो डॉकिंग करा रहे हैं, एक लाइगेंड को बाइंड करा रहे हैं प्रोटीन के साथ, तो बीच में वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो इंट्रैक्शन नहीं हो पाएगी। तो उन वाटर मॉलिक्यूल्स को ख़त्म करना है। लाइगेंड ऑलरेडी बाइंड है हमारे प्रोटीन के साथ, तो प्रोटीन की जो है वो एनर्जी जो है मैक्सिमाइज है, या स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, या उस लाइगेंड की वजह से कोई इफेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी एनर्जी है उसको मिनिमाइज कर देंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती है, पोलैरिटी ऐड करनी होती है प्रोटीन में। तो उसके लिए क्या करेंगे, एनालिसिस सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, डिस्कवरी स्टूडियो को। ये एक एनालिसिस सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड कर लेना है और ओपन कर लेना है अपना प्रोटीन, कंट्रोल ओ दबा के या फाइल में जाके ओपन कर लेना है। इधर व्यू में जाके डिस्प्ले स्टाइल है, तो डिस्प्ले स्टाइल चेंज कर सकते हैं इसका, या ऊपर भी ऑप्शन मिलेगा डिस्प्ले स्टाइल का। ये रहा, ये चेन है, ए चेन, हेट्रो एटम, एक्टिव साइट। तो हेट्रो एटम सारे डाउनलोड मारने हैं और वाटर मॉलिक्यूल सारे डाउनलोड मारने हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स मेरे ऑलरेडी डिलीटेड हैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं हेट्रो एटम्स डाउनलोड डिलीट मारूंगा सारे। और इधर एक्टिव साइट भी है, ये भी देख सकते हो कि एक्टिव साइट में कौन कौन से जो है हमारे अमीनो एसिड प्रेजेंट है। एक्टिव साइट पे क्लिक करके सारे के सारे अमीनो एसिड की लिस्ट आ जाएगी, उनको लिख लो कहीं पे कि भैया ये हमारे जो है एक्टिव साइट के अमीनो एसिड्स है, तो ढूंढना नहीं पड़ेगा लिटरेचर में। अब ये रहा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, इसमें ऑलरेडी एक लाइगेंड बाइंड है, जो हेट्रो एटम का मतलब है मेरा एक लाइगेंड है इसमें, जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस जो ये मेरा हेट्रो एटम, इसको डिलीट मार दूँ इस लाइगेंड को, क्योंकि बाद में मेरा लाइगेंड बाइंड करेगा असली वाला तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो इस हेट्रो एटम को डिलीट मारो इधर से, और वाटर मॉलिक्यूल्स दोनों चीज़ हमेशा डिलीट मारनी है। ये रहा व्यू में जाके, व्यू में जाके सॉरी एडिट में जा, एडिट में जाके डिलीट का ऑप्शन है, सीधा डिलीट कर दो सेलेक्ट करके जो भी डिलीट करना है, और वाटर मॉलिक्यूल्स भी सेलेक्ट कर देना है। दोनों जो है सबसे पहले यही काम करना है, हेट्रो एटम डिलीट और वाटर मॉलिक्यूल्स डिलीट, और चेन हमेशा एक छोड़नी है। जैसे ए बी सी, अगर हमारा जो है ए चेन जो है दो बार प्रेजेंट है, तो ए चेन को डिलीट मार देना है। बी चेन दो बार प्रेजेंट है, दो बार डिलीट मार। तो हमें जो है अगर डाइमर में प्रेजेंट है हमारा प्रोटीन, तो वो मोनोमर में बनाना है, तो हमेशा एक चेन छोड़नी है उसकी। जैसे ये एक पूरा मॉलिक्यूल्स मैंने छोड़ दिया प्रोटीन का, तो इसके साथ कराऊंगा। तो ये पूरा ले लिया मैंने, जब भी इसको सेलेक्ट करूंगा मैं मॉलिक्यूल्स, तो ये येलो कलर का हो जाएगा। तो इधर ए चेन है, एक्टिव साइट है, प्रोटीन ग्रुप है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है अपने पास। तो ये पूरा तैयार है। अब इसको क्या है, पोलैरिटी ऐड कर देते हैं इसमें। सबसे ज़्यादा जरूरी होता है पोलैरिटी ऐड करना, कि पूरा मॉलिक्यूल जो है हमारा प्रोटीन वो स्टेबल रहे, ऐसा ना हो कहीं कुछ चार्ज है कहीं कुछ चार्ज है। तो पोलैरिटी ऐड करके इसको स्टेबल कर देंगे। उसके बाद सेव एज कर देना है, किस फॉर्मेट में ध्यान रखना हमेशा, किस फॉर्मेट में सेव करना है। सेव एज टाइप पे क्लिक करके पीडीबी फॉर्मेट में इसको सेव कर देना है, सेव। अब हमारा मॉलिक्यूल जो है वो कंप्लीटली रेडी है डॉकिंग के लिए, कि भाई इसको हमने बिल्कुल स्टेबलाइज कर दिया, अब इसके आराम से डॉकिंग करेंगे।
अब ये फिट है डॉकिंग के लिए। तो पायरेक्स एक सॉफ्टवेयर है, बहुत ज़्यादा इजी सॉफ्टवेयर है डॉकिंग के लिए। इसके अंदर ऑटो डॉक है जो डॉकिंग का बेसिक सॉफ्टवेयर है, ओपन बेबल है जो सारे फॉर्मेट चेंज करेगा, जो हमारे लाइगेंड को HDF से PDB बनाएगा। तो इसमें लोड मॉलिक्यूल कर देना अपना, पहले से अगर कोई मॉलिक्यूल हो तो डिलीट मार देना, पूरा का पूरा जो है क्लीन रखना है पायरेक्स यूज़ करने से पहले ओपन, क्योंकि बच्चे जो है क्लीन नहीं रखते, बाद में दिक्कत आती है कि हम जो है काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके इसमें पहले से फाइल पड़ी हुई है। तो ऑटोडॉक में जाना है, ऑटोडॉक में पहले से फाइल है जो मैंने बताया, तो डिलीट कर दो इसको। यस, ये लाइगेंड है पहले से, इसको डिलीट कर दो। अभी एकदम क्लीन है काम करने के लिए। मॉलिक्यूल में जाके इसको मैक्रो मॉलिक्यूल बनाओ, क्योंकि ये मैक्रो मॉलिक्यूल ही हमारा प्रोटीन है। ये डिस्प्ले में है, मॉलिक्यूलर सरफेस वगैरह बहुत सारे तरीके से इसको देख सकते हो आप। मैक्रो मॉलिक्यूल बना दिया, मेक मैक्रो मॉलिक्यूल। इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं प्रोटीन को अपने टच पैड से। ये मैक्रो मॉलिक्यूल बना दिया, अभी आ गया PDBQ फॉर्मेट में, ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा मैक्रो मॉलिक्यूल करते ही, क्योंकि यही फॉर्मेट होता है जिसमें हम डॉकिंग करते हैं हमेशा, PDBQT। अब ओपन बेबल में गए, ओपन बेबल में जाके इंसर्ट का बटन दबाना है, और क्या ले लेना है, इंसर्ट न्यू आइटम में अपना लाइगेंड ले लेना है HDF फॉर्मेट में। ओपन बेबल क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो इसमें इनबिल्ट है, जो HDF को PDB में कन्वर्ट करेगा। तो लाइगेंड को भी अब क्या करता है, मिनिमाइज कर देनी है इसकी एनर्जी, मिनिमाइज ऑल, क्योंकि लाइगेंड में हो सकता है पहले से एनर्जी थोड़े बहुत बोन रोटेटेड हो या कोई और दिक्कत हो, तो उसको क्या करेंगे, मिनिमाइज कर देंगे, स्टेबलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, और इसको क्या है, कन्वर्ट कर देंगे ऑटोडॉक सारे के सारे को इसमें, क्या बोलते हैं, PDBQ फॉर्मेट में। तो कन्वर्ट कर देना इसको लाइगेंड में। तो ये आ गए हमारे मॉलिक्यूल, ये पहले से भी लाइगेंड है दिखाए हुए ऊपर दो, ये तीसरे वाला 5280 है हमारा अभी का लाइगेंड है, इसमें डेट भी है तो पता चल जाएगा कि वीना लाइगेंड कौन सा पुराना कौन सा। अब क्या करना है, वीना विजार्ड में जाके, क्योंकि ऑटोडॉक वीना है, इसमें हम क्या करेंगे, डॉकिंग करेंगे इसकी मदद से। तो कमांड दबा के स्टार्ट करने के बाद कमांड दबा के पहले प्रोटीन पे क्लिक करो, फिर लाइगेंड पे। तो ये पूरा का पूरा जो है ग्रिड आ गया हमारे पास। तो इसको जूम भी कर सकते हो टच पैड की मदद से, छोटा भी कर सकते हो और रोटेट भी कर सकते हो। तो अब इसको बड़ा कर देना है साइड वाली बॉल की मदद से, और जो बीच वाली बॉल है इसमें ग्रिड में, वो पूरा का पूरा बॉक्स मूव कराएंगी आपका। तो अब इसको रोटेट कर सकते हैं आराम से, अगर टच पैड सही ना हो तो माउस ले सकते हैं। अब इसको घुमा घुमा के आपको पूरा का पूरा ये अंदर करना है प्रोटीन मॉलिक्यूल इस ग्रिड के, इस बॉक्स के। तो इसको पूरे को अंदर कर लेंगे, ताकि हमें पूरे प्रोटीन की डॉकिंग करनी है ना, तो जितने में ये बॉक्स होगा, इस बॉक्स का मतलब है कि पूरा का पूरा रिएक्शन जो इस बॉक्स के अंदर ही होगा। तो लाइगेंड ऑटोमेटिकली इस बॉक्स के अंदर ऑटो फिटेड है पहले से, तो हमें क्या करना है, इस प्रोटीन को भी फिट करना है इसके अंदर, जितने प्रोटीन को फिट करेंगे उतने की डॉकिंग। तो ये ब्लाइंड डॉकिंग है जिसमें पूरे प्रोटीन का कर देंगे, और इसको लेने के बाद हम क्या कर देंगे, सीधा फॉर्मेट कर देना, फॉरवर्ड का बटन दबाते ही डॉकिंग शुरू हो जाएगी। तो ये हमारी डॉकिंग शुरू हो गई इसमें वीना विजार्ड में। तो ये एनालिसिस कर रहा है अभी बाइंडिंग साइट की, तो हमने बाइंडिंग साइट के भी एनालिसिस कर रहा है, क्योंकि पूरा प्रोटीन मॉलिक्यूल है, तो देखेगा लाइगेंड को हर जगह टच कर करके कि कहाँ पे बाइंड हो सकता है, कौन सी सुटेबल जगह है जहाँ लाइगेंड जो है प्रोटीन के साथ बाइंड कर पाएगा। तो सारे स्टेप जरूरी है, कोई भी स्टेप मिस मत करना, नहीं बाइंडिंग अच्छे से नहीं होगी, फॉल्स रिजल्ट आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये जब 100% हो जाएगा तब हमारा रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास। रिजल्ट में क्या नज़र आएगा आपको, रिजल्ट में नज़र आएगा बाइंडिंग एनर्जी जो हमेशा नेगेटिव में होती है। बाइंडिंग एनर्जी क्या, नेगेटिव में का मतलब है कि जब आपका लाइगेंड बाइंड हुआ तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई, तो इधर बाइंडिंग एनर्जी आ गई -7.4, और इधर RMSD वैल्यू मतलब बॉन्ड रोटेशन वैल्यू है 0.0। तो 0.0 वाली मतलब लाइगेंड के जो बॉन्ड है वो रोटेट नहीं हुए। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। अभी रिजल्ट को क्या करेंगे, सेव कर देंगे। तो CSV फॉर्मेट में और डाटा फॉर्मेट में, दोनों में सेव कर दो इसको। सारी फाइल सेव करनी है, चाहे किसी भी फॉर्मेट में सेव हो, ताकि फ्यूचर के लिए डाटा रहे आपके पास। तो इसको जाके सेव कर दो। इधर बाइंडिंग एफिनिटी दिखाइए -7.4, -5 से ज़्यादा बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत अच्छी बाइंडिंग एफिनिटी होती है। तो काफ़ी अच्छी बाइंडिंग एफिनिटी आई है आपकी। और जो यहाँ बॉन्ड रोटेशन है वो 0.0 है -7.4 वाले की। तो 0.0 बॉन्ड रोटेशन वाला मॉलिक्यूल लेना हमेशा, क्योंकि इसमें लाइगेंड जो है वो अपनी स्टेबल स्टेट में है। तो मॉडल 1 है इसका नाम जो हमने लिया है, सबसे पहले वाला होता है मॉडल 1। तो इस मॉडल 1 को सिलेक्ट करेंगे हम, नेक्स्ट वाला है मॉडल 2। तो हम क्या करेंगे, इसको फाइल को सेव कर लो।
और क्या लेना है, -7.4 बाइंडिंग एफिनिटी वाला, जिसके बॉन्ड रोटेशन क्या है 0 0, वो वाला सेलेक्ट कर लेना है अपने फर्दर एनालिसिस के लिए, क्योंकि इस वाली फॉर्म में जो है हमारा लाइगेंड जो है प्रोटीन के साथ बहुत अच्छी बाइंडिंग दिखा रहा है। तो हो सकता है ये जेनिस्टिन जो है अपने EGFR रिसेप्टर है इसको पूरा का पूरा इनहिबिट कर सकता है। तो इसका एनालिसिस करके देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ बाइंड करता है, कि कौन सी साइट पे बाइंड कर रहा है। हो सकता है एक्टिव साइट पे बाइंड करता हो। मॉलिक्यूल में जाना है तो मॉलिक्यूल में जाके क्या करना है, सारे मॉडल निकाल लेने हैं। तो हम क्या करेंगे, PDBQT या 5280 वाली अपनी लाइगेंड वाली फाइल है, इस पर डबल क्लिक कर देना है मैक्रोमोलिक्यूल में जाके। जब इस पर डबल क्लिक करोगे तो अपने मोलिक्यूल वाला सेक्शन जो है ऊपर वाला, उस पर क्लिक कर देना है, तो आपको सारे मॉडल दिख जाएंगे अपने। तो सारे मॉडल आपके आ जाएंगे, उसको सेव कर लेना है फाइल को। तो वो मैं जो है वो आगे बताऊंगा कैसे सेव करना है। तो इससे पहले मैं बता देता हूँ, अभी हमारी हो गई ब्लाइंड डॉकिंग, तो मैं बताता हूँ कि अगर आपको साइट स्पेसिफिक डॉकिंग करनी हो तो वो कैसे करेंगे। तो उसका भी सेम तरीका है साइट स्पेसिफिक का भी, कि मॉलिक्यूल्स लोड करने हैं अपने। गए मॉलिक्यूल लोड किया, मॉलिक्यूल लोड करने के बाद सेम पहले वाला तरीका, इसको मैक्रोमोलिक्यूल बना देना है। डाउनलोड में गए, अपना लाइगेंड भी आपको चूज कर लेना, वही सबसे पहले मिनिमाइज ऑल करना है, उसके बाद कन्वर्ट कर देना इसको लाइगेंड में। उसके बाद स्टार्ट करके अब मैं कर रहा हूँ साइट स्पेसिफिक। तो हमने देखा था कि डिस्कवरी स्टूडियो में एक्टिव साइट का ऑप्शन था एक, तो हमें एक्टिव साइट का पता चल जाता है उधर से कि कौन कौन सी एक्टिव साइट है। तो उन सारे अमीनो एसिड का नाम लिख लो उधर से और मॉलिक्यूल में जाओ और वो सारे अमीनो एसिड ढूंढो। जैसे सपोज करो एलानिन एक्टिव साइट में था, तो इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाके लेबल करके एटम कर दो, तो हमें यहाँ एलानिन नज़र आ जाएगा प्रोटीन में। तो इसको जब जूम करेंगे तो हमें अलग से एलानिन नज़र आएगा। तो जितने भी एटम हैं, जितने भी अमीनो एसिड हैं जो हमारे एक्टिव साइट पर प्रेजेंट है, उन सबको लेबल कर दो और ढूंढ लो कहाँ पे है। तो बॉक्स के अंदर क्लिक नहीं करना, बॉक्स के बाहर क्लिक करना है। अगर रोटेट करना है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, जूम करना है, तो बॉक्स के बाहर क्लिक करके हम पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को रोटेट कर सकते हैं, फिर जूम कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं कि हमारे लेबल अमीनो एसिड कौन से हैं जो हमें यूज़ करने हैं डॉकिंग के लिए। तो इधर मैं अच्छे से बताऊंगा कि कैसे करना है। ग्रिड को छोटा करो, मूव करो पूरा का पूरा। तो ये रहा, ये वाइट कलर में नज़र आएंगे एटम्स जो कि लेबल हैं। तो ये हमारे ल्यूसीन एलानिन ये हैं जो हमने भी सेलेक्ट किए हैं। तो हमें ये लेबल एटम्स के ऊपर ग्रिड लानी है, अपना जो बॉक्स है उसके अंदर ये सारे एटम्स लाने हैं, क्योंकि हम इन सारे एटम्स के साथ डॉकिंग करके देखेंगे कि इन अमीनो एसिड के साथ हमारे लाइगेंड की डॉकिंग हो रही है नहीं हो रही। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्पेशली इस साइट पे देख रहे हैं कि एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा नहीं करेगा ये वाला लाइगेंड जेनिस्टिन, ये जो फाइटोकेमिकल है ये बाइंड करेगा नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको बीच वाले को रोटेट करेंगे, बीच वाले को इसके ऊपर लाएंगे और अब देखेंगे पूरा का पूरा बॉक्स में आया नहीं आया। हमेशा याद रखना है कि पूरा का पूरा ग्रिड के अंदर हो आपका, जितना भी एरिया है जो भी आपको सेलेक्ट करना है पूरा ग्रिड के अंदर होना चाहिए, कुछ भी बाहर नहीं होना चाहिए। तो ये बड़े आराम से बहुत अच्छे से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी इसमें। सारे लेबल एटम्स को ग्रिड के अंदर डालो और फॉरवर्ड कर दो। तो फॉरवर्ड करते ही अब हमारी साइट स्पेसिफिक डॉकिंग चल रही है, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर साइट पे अपना ग्रिड बनाया। अब ये हो गया डॉक पूरा का पूरा, अब हमारी फाइल रन हो रही है। तो मैंने ब्लाइंड बता दी, ब्लाइंड डॉकिंग क्या होती है, जब पूरे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को लेते हैं हम ग्रिड के अंदर बॉक्स के अंदर। और साइट स्पेसिफिक क्या होती है, जब स्पेशली कुछ एमिनो एसिड्स को जो बाइंड कर सकते हैं किसी प्रोटीन में उनको बॉक्स के अंदर लेते हैं। तो अभी मैं साइट स्पेसिफिक कर रहा हूँ, अब देखते हैं कि अब बाइंडिंग एनर्जी कितनी आती है। तो अभी भी बाइंडिंग एनर्जी -7.4 आई है। तो हो सकता है कि लास्ट टाइम और इस टाइम दोनों बार जो है सेम अमीनो एसिड के साथ सेम साइट पे बाइंडिंग हुई हो। तो अब एनालिसिस कर लेते हैं, मैं बताता हूँ कि सेव कैसे करते हैं फाइल। तो दोनों केसेस में फाइल सेव करनी है आपको सेम तरीके से, ब्लाइंड डॉकिंग में भी और यहाँ भी। तो इधर गए और सेव कर लिया अपनी फाइल को। फाइल को बहुत अच्छे से सेव करना है कि
समझ आ जाए कि कौन सी फाइल कौन सी आपकी। तो इधर साइट स्पेसिफिक वाली फाइल है तो मैं इसको साइट स्पेसिफिक के नाम से सेव करूँगा, सेव। और मैंने बता दिया कि कौन सा मॉडल लेना है जिसके 0 0 जो है आपकी बोन्ड रोटेशन हो। तो इसको डॉट सी एस वी फाइल में भी मैंने सेव कर दिया, दोनों में सेव करते हैं, सेव। अब मॉडल कैसे निकालते हैं ये बता देता हूँ आपको। ऑटोडॉक में गए, क्लिक किया प्लस के साइन पे, ये मेरा पायरेक्स क्रैश हो गया। अगर ऐसे ही क्रैश हो आपको तो टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, क्योंकि क्रैश होने के बाद भी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन अपनी रहती है। ऑटोडॉक पे जाना है तो ये इन्फॉर्मेशन रहेगी आपकी। तो PDB 5280 वाले पे क्लिक करना है जाके। अभी कुछ नहीं आया क्योंकि मैंने 5280 वाले पे क्लिक नहीं किया। अब इस पे क्लिक करता हूँ 5280, अब ये मेरा डॉकिंग का रिजल्ट आ जाएगा सारा का सारा। ये आ गया डॉकिंग का रिजल्ट, तो मॉडल वन आ गया। मॉडल वन वही मॉडल है जिसका RMSD वैल्यू 0 0 थी। सबको डी सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले प्रोटीन को सेव करेंगे, EGFR को दोबारा सेव करना है क्योंकि ये डॉकिंग वाला प्रोटीन है हमारा। डॉकिंग वाले प्रोटीन को यूज़ करेंगे सारे में क्योंकि ये ऑप्टिमल प्रोटीन है जो एक पर्टिकुलर कन्फर्मेशन में सेव हुआ है। इसको सेव कर लेना, सिमिलरली मॉडल पे क्लिक करके मॉडल वन सेव कर लेना अपना। याद रखना है सेव करने का फॉर्मेट होना चाहिए PDB, मॉडल वन। ये साइट स्पेसिफिक का मॉडल है, इसमें ऑप्शन नहीं है तो ऑल फाइल्स पे करके सेव कर दो। इसको सेव कर दिया। अब एनालिसिस फर्दर करेंगे। तो प्रोटीन को तैयार करना है किसके अंदर, डिस्कवरी स्टूडियो में, और उसके बाद एनालिसिस भी कहाँ करेंगे, डिस्कवरी स्टूडियो में। एनालिसिस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं पर मैं इधर यूज़ कर रहा हूँ डिस्कवरी स्टूडियो। ओपन कर लेनी अपनी फाइल इधर। तो डिस्कवरी स्टूडियो भी जो है आपका हैंग कर सकता है। तो अगर आपको ऐसा हो कि नज़र नहीं आ रहा मॉलिक्यूल तो डिस्प्ले स्टाइल चेंज कर सकते हो अगर प्रोटीन नज़र ना आए तो। अब व्यू पे जाके हायरार्की पे क्लिक कर दो तो इसका सारा ऑप्शन आ जाएगा, कौन कौन सी इसके अंदर चेन है। फाइल पे जाके अब अपना वो भी ओपन कर दो, लाइगैंड भी। लाइगैंड भी आ गया। अब इसका भी हायरार्की देखनी पड़ेगी हमें। हायरार्की में पता चल जाता है कि कौन कौन से अमीनो एसिड क्या क्या प्रेजेंट है, लाइगैंड में कौन कौन से एटम प्रेजेंट है। हायरार्की में गए, क्लिक कर दिया इधर भी। अब इसकी हायरार्की को जो है मॉडल वन पे क्लिक करके कॉपी कर लेना है, कॉपी, और पेस्ट करना है इधर प्रोटीन के अंदर। कर दिया पेस्ट। तो अब क्या है, हमने अपने लाइगैंड को प्रोटीन के अंदर पेस्ट कर दिया। ये डॉकिंग वाला लाइगैंड हमारा जो हमने, ये देखो कितने अच्छे से नज़र आ रहा है लाइगैंड। अब हम रिसेप्टर को बता देंगे प्रोटीन है, और मॉडल वन पे क्लिक करके बता देंगे कि ये लाइगैंड है। अब लाइगैंड इंटरेक्शन पे क्लिक कर देंगे क्योंकि हमने बता दिया लाइगैंड कौन सा, प्रोटीन कौन सा है, और शो 2D डायग्राम पे क्लिक कर दो फिर। तो हमारा एकदम से 2D डायग्राम आ जाएगा और उसमें पता चल जाएगी कि किस किस के साथ बाइंड हो रहा है। एलानिन, आर्जिनिन, तो हम तो इन्हीं के साथ 702, इन्हीं के साथ 703, इन्हीं के साथ बाइंडिंग कराना चाह रहे थे। तो हमारी साइट स्पेसिफिक डॉकिंग हुई है बड़ी अच्छी और रिजल्ट काफ़ी अच्छा है इसका। रिसेप्टर पे क्लिक करोगे तो साइड के भी सारे के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, पूरी पॉकेट पता चल जाएगी कहाँ पे है। तो इसको सेव कर सकते हैं फर्दर एनालिसिस के लिए। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगी कि हमारा फाइटोकेमिकल जो है